नमस्कार दोस्तों, सिराधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिष विद योग वास्तुशास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि 6 मूलांक के लिए सन 2024 कैसे जाने वाला है। सबसे पहले 6 मूलांक उन लोगों का होता है जो किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को जन्म लेते हैं, उन सभी लोगों का 6 मूलांक होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 मूलांक वाले लोग होते कैसे हैं, उनका पारिवारिक जीवन सन 2024 में कैसा रहेगा, घर, गाड़ी, नौकरी, व्यवसाय और प्रेम की क्या स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस साल नया कोई काम शुरू करें कि ना करें, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले, जो लोग 6 मूलांक वाले होते हैं वो शुक्र से गवर्न होते हैं। शुक्र ग्रहों में सुख सुविधा भोग विलास का कारक होता है। मैंने देखा है कि 6 मूलांक वाले लोग लग्जरियस चीजें पसंद करते हैं, उनको ब्रांडेड चीजें और अच्छी चीजें चाहिए। इनके आसपास कहीं न कहीं से ये चीजें रहती भी हैं, जिसके कारण से इसका सुख और भोग इनको प्राप्त होता है। इनको स्वास्थ्य में देखा जाए तो इनके पेट में कभी न कभी ऑपरेशन या कट या यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे लोगों को देखा जाए तो परिवार अच्छा रहता है, अच्छे कुल में इनका जन्म होता है। इनको एक ऐसी कला पता होती है जिससे ये लोगों के बीच में अपना प्रभुत्व बना पाते हैं, और यही नहीं, इस कला के नाते इनकी खूब पूछ भी रहती है और लोगों में अपना एक आकर्षण किसी न किसी रूप से बना के रखते हैं। उस कला को जल्दी ये किसी के साथ शेयर भी नहीं करते। हाँ, और लोगों की इच्छा रहती है कि काश ये आकर्षण, ये कला, ये तरीका मेरे पास आए। व्यवहारिक जीवन में देखा गया है कि जो इनका अपोजिट सेक्स होता है वो इनकी तरफ हमेशा आकर्षित होता है। ये सुंदर वस्त्रों को धारण करना, अट्रैक्टिव वक्तव्य देना इनका शौक होता है। अब अगर हम बात करें कि सन 2024 6 मूलांक के लिए कैसा जाएगा, तो सबसे पहले 6 मूलांक मतलब 2 + 2 + 4, तो टोटल बन जाता है 8, शनि का अंक। शनि और शुक्र की अगर बात की जाए मतलब 8, और 6 की बात की जाए तो ज्योतिष में ये एक दूसरे के बड़े पूरक माने जाते हैं। ज्योतिष में जिसकी कुंडली में शुक्र प्रबल हो तो शनि की अंतर्दशा में, जिसकी कुंडली में शनि प्रबल हो तो शुक्र की अंतर्दशा में अधिक से अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। इस लिहाज से सन 2024 6 मूलांक वालों के लिए बड़ा शुभ जाने वाला है। क्या शुभ जाने वाला है? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको सुख सुविधा भोग विलास की चीजें प्राप्त होंगी, आपको जीवन में वो सारे आनंद प्राप्त होंगे जो आप पीछे सपने को सपने की तरह सजो के रखें। इस वर्ष आपको सुंदर भवन, सुंदर घर, सुंदर गाड़ी, ये सब आपका पूरा होगा। आपके जीवन में अगर आपने सोचा है कि मैं अपनी उस गाड़ी को पाऊं जो आपकी ड्रीम है, तो आप मेहनत करिए। कारण क्या है कि शनि बिना मेहनत की किसी चीज को देता नहीं है, लेकिन शुक्र को वो सबसे सहजता से देता है। लेकिन कुछ न कुछ मेहनत और चीजों में ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप जरा सा भी अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो आपको शुक्र वाली चीजें इस वर्ष जरूर प्राप्त होंगी। तो शुक्र की क्या चीजें हैं? घर है, गाड़ी है, अच्छे वस्त्र हैं, अच्छी यात्राएं हैं, भोग विलास है, वो सब आपको प्राप्त होंगे। एजुकेशन की बात करें, शुक्र के अंदर थोड़ी सी चंचलता पाई जाती है, लेकिन शनि के साथ मिलने पर गंभीरता आती है। तो एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो यह वर्ष जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान रहे हैं, उनका विकास उत्तम जाएगा। माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। माता या पिता में किसी को शुगर या किडनी की दिक्कत या यूरिन की दिक्कत है तो वह प्रॉब्लम इस वर्ष बढ़ सकती है। और खास तौर से मैं शुक्र वालों को कहूंगा कि आपके भी अंदर मां बाप की बीमारियां ट्रांसफर हो सकती हैं, तो आप
इस चीज से डरे नहीं, बल्कि एक संयमित जीवन जिए जिससे आपके जीवन में ये बीमारियां प्रवेश न कर पाए। बात करें प्रेम की, तो हमने पहले भी कहा कि इनके विपरीत के लोग इनको तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मेल हो या फीमेल हो, वो दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब 8 का नंबर आता है तो 8 जीवन में जो भी प्रदान करता अस्थायित्व की तरफ ले जाता है। इस वर्ष आपका विवाह प्रेम कहीं न कहीं से पूर्णता को प्राप्त होगा, चीजें बेहतर होंगी, दोनों के जीवन में एक नई दिशा और एक नया अनुशासन प्राप्त होगा। नौकरी की दृष्टि से देखा जाए, शनि कर्म का कारक है, नौकरी का कारक है, और शुक्र को अपने वर्ष नौकरी तो देना ही देना है। तो जो लोग कंपटीशन में लगे हैं या प्राइवेट जॉब में प्रमोशन या प्राइवेट में ही अपने जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए यह साल काफी अच्छा जाने वाला है। लेकिन जो सरकारी काम में जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा कम मिलेगा। जैसे अगर उन्होंने ज्यादा बड़ी नौकरी या ज्यादा अच्छे से चीजों को चाहा है तो उसे थोड़ा सा नीचे उनको समझौता करना पड़ेगा। कारण क्या है, सरकारी नौकरी जो बड़ी होती है वो सूर्य से गवर्न होती है। सूर्य का संबंध शनि और शुक्र दोनों के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इस दृष्टि से कहीं न कहीं से सरकारी नौकरी में जो लोग काम करेंगे उनको थोड़ी सी पीड़ा देखनी पड़ेगी। वहीं पर प्राइवेट नौकरी या अपने बिजनेस में जो लोग लगे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। जो लोग लोन लेकर या कोई रिस्क लेकर इस वर्ष काम करना चाहते हैं, मेरा कहना है कि अगर आप नियमित तो संयमित और अपनी बातों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे तो आप लोन भी अदा कर पाएंगे और आप बिजनेस में भी काफ़ी ग्रोथ करेंगे। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो भाग्य उत्तम जाएगा। परसेंटेज में कहें तो 85-90% हर चीजों में आपका भाग्य सहयोग करेगा। लेकिन शनि चाहता है कि सुबह जल्दी से उठना, योग प्राणायाम करना, नॉनवेज या ड्रिंक से थोड़ा दूर रहना, अपनी परंपरा की ट्रेडिशन को मानना। जैसे आप मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, आप अपने ट्रेडिशन को माने। मस्जिद, गिरजाघर या मंदिर जाने की जो परंपरा है, हिंदू है तो मंदिर जाने की परंपरा, उसको न तोड़े। परिवार के नियमों को न तोड़े। शनि चाहता है कि घर की परंपरा और नियमों को लोग मानते रहे। अगर खास बात की जाए कि इस वर्ष क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष में जब शुक्र शनि से मिलते हैं तो कई राजयोग का निर्माण करते हैं। तो यह वर्ष इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण आपके लिए जाने वाला है। आपको कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष सीखना हो, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।